हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम थ्योरेटिकल पार्ट आल्सो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर फर्स्ट डिविजिबल बाय 7 एंड सेकेंड नॉट डिविजिबल बाय 7। ये ऐसा एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इंटीजर्स फाइंड करो, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, जो कि पहले हम फाइंड करते हैं बेटा कि जो फर्स्ट डिविजिबल बाय 7 से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर देखिए जो 100 और 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल है, तो वो कौन सा नंबर आएगा? 105, देख लीजिए आप। सेकंड नंबर क्या होगा? बस 7 ऐड कर दो तो 112। थर्ड नंबर क्या आएगा? 7 ऐड करो 119 एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर क्या होगा ये देख लो बेटा, 994। सो नंबर क्या हो गया 100 एंड 1000 के बीच में जो डिविजिबल है 7 से? 105, 112, 119, .. 994। एपी में है, कॉमन डिफरेंस क्या है 7, तो बेटा नंबर फाइंड कर लो। तो ये फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये सुनो, तो बेटा कर लो tn, लास्ट टर्म क्या है मेरा 994, a फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 7। सॉल्व कर लीजिए, 994 माइनस 105, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7n माइनस 7, माइनस 7 इधर का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 896 इक्वल टू 7n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 896 बाय 7 इक्वल टू 128। तो मतलब क्या हुआ कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं? 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब 7 से नहीं डिविजिबल क्या हो गया? तो बेटा 7 से नहीं डिविजिबल कैसे निकाल सकते हैं? तो 100 और 1000 के बीच में बेटा टोटल नंबर काउंट कर लो और जो 7 से डिविजिबल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नॉट डिविजिबल बाय 7 नंबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। जैसे मान लो पहला नंबर क्या है 105 जो डिविजिबल है, तो 106, 107, 108, 109, 110, 111 ये नहीं डिविजिबल होगा। यस ना, तो वही किए बेटा, टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 माइनस नंबर डिविजिबल बाई 7, एकदम फटाक से निकल जाएगा ये चीज। यस और नो? यस। तब टोटल नंबर कितना है बेटा? देखो तो 100 और 1000 के बीच में 898, काउंट करके देख लीजिएगा आप, माइनस जो डिविजिबल है 128, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आएगा 770, तो ये हुआ नॉट डिविजिबल बाय 7 और ये हुआ 128 डिविजिबल बाय 7। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, देखिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि आप घर पे एज ए होमवर्क आप उसको बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, फाइंड द नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 3 digits विच आर डिविजिबल बाय 5। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप। सेकेंड है, इज 105 अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस? ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे, इसमें 105 टर्म आएगा, तो एज्यूम कर लेना बेटा लास्ट टर्म 105 है। अगर इंटीग्रल वैल्यू आया इंटीजर तो है, नहीं आया फ्रैक्शन में आएगा एन का वैल्यू, तो कह देना कि हाँ 105 नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी बेटा बनाए थे। क्या बनाए थे? इसमें जो क्यूबिक इक्वेशन था, तो बोलता था ना कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या है, एपी में है। तो हम जब एपी में लेते थे तो क्या रूट लेते थे उसका? हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही रूट लेते थे। तो वही सेम चीज़ यहीं से बेटा आता था, ये एपी का, ठीक ना। क्वेश्चन ही ऐसा दिया रहेगा, 3 numbers इन एपी हुज सम इज गिवेन, एकदम डिटो ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 numbers इन एपी हुज सम इज गिवेन आर टू बी टेकन एज। क्या लेंगे हम? 3 numbers को जो एपी में है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, एकदम इसको रिमेंबर याद कर लीजिएगा। इसी तरह 4 numbers इन एपी हुज सम इज गिवेन आर क्या, हुज सम इज गिवेन आर टू बी टेकन एज क्या बेटा? 4 numbers को ये याद कीजिएगा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ऐसा क्यों लेते हैं? ऐसा इसलिए लेते हैं बेटा कि कैलकुलेशन ईजी होता है, ठीक है। नहीं तो 3 numbers आप ये भी ले सकते थे, x, x प्लस 1, x प्लस 2। 4 numbers लेने के बाद ये भी ले सकते, तो बेटा फर्स्ट नंबर x, सेकंड x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर वैसे लीजिएगा नंबर तो कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ता है ना, ठीक ना। ये लो बेटा तो एकदम हाफ पेज में कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 3 numbers याद कर लीजिए, 4 numbers इन एपी यही याद कर लीजिए, इसके आगे नहीं पढ़ना है बेटा। 4 numbers से एक बार क्वेश्चन आया था, 3 numbers से भी आया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, जैसा थ्योरी वैसा सेम क्वेश्चन। बोला है ना कि 3 numbers, देखो यहीं पे 3 numbers इन एपी हुज सम इज गिवन आर टू बी टेकन एज दिस क्वेश्चन। देखो पढ़ो बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या है? द सम ऑफ 3 numbers इन एपी इज 27। तब 3 numbers तो हम ले लेंगे बेटा फटाक से, कौन सा लेंगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। वही 3 numbers का क्या है बेटा? स्क्वायर का सम बोल रहा है, फाइंड द नंबर।
टर्म तुरंत ले लेते हैं, ठीक है। चलो, लेट द थ्री नंबर्स इन ए पी आर वॉट, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका सम 27 है तो सम कर लो इसका, तो डी डी कैंसल आउट, 3 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9, 3 इज इक्वल टू 27 तो ए इज इक्वल टू 9, देखिए कितना ईजी बना, डी डी कैंसल आउट हो गया। अब वही लेते हैं तुम बेटा एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 तो कैंसिल होता है नहीं ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, काफ़ी लंबा जाता है, यहाँ पे निकल गया तुरंत बेटा ए इज इक्वल टू 9। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ए माइनस डी का ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293, ठीक है। ओपन कर लो, ए माइनस डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस डी का होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 293, सॉल्व कर लीजिए बेटा, कैंसिल आउट हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293, सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ ए का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हो 9, तब ए का वैल्यू लाकर इसमें पुट कर दो, यस, तो पुट कर दिए बेटा यहाँ पे, 3 × 9 का होल स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293, तो हो गया बेटा 9 × 9 = 81 × 3 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293, 243 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 50, d स्क्वायर इक्वल टू 25, सो d इक्वल टू प्लस माइनस 5, यस। अब देखो d का ही वैल्यू हो गया और a का ही वैल्यू हो गया, निकल गया, तो बेटा नंबर इसमें ला के पुट कर दो, यही नंबर है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, पुट कर लीजिए। अब d का दो वैल्यू है, 2ap आएगा, है ना, चलो d क्या है प्लस माइनस 5, तो एक बार d लेते हैं बेटा, d इज इक्वल टू 5, तो नंबर क्या हो जाएगा वहाँ पुट करके देखो, a माइनस डी, a और a प्लस डी आया, जब d इज इक्वल टू माइनस 5 पुट करेंगे तो नंबर यस इसका उलट क्या आ जाएगा बेटा, 14, 9 और 4, उस नंबर में पुट कर लो, आई थिंक सो समझ गए सब लोग, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें, है ना, अब ये बोल रहा है कि डिवाइड 20 × 4 पार्ट्स विच आर इन ए पी, वही बात हो गया कि सम ऑफ फोर नंबर्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 को डिवाइड न कर रहे हैं, यानी कि जो फोर नंबर होंगे उसका सम 20 होना चाहिए, तो फोर नंबर कैसे लेते हैं बेटा ए पी का, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 2:3, मतलब क्या बोल रहा है रेशियो, कि फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर का प्रोडक्ट इजकल टू कितना है 2/3, तो दो इक्वेशन, दो अननोन, ए और डी फाइंड करना है, या सुनो, चलो लेट द फोर नंबर्स ऑफ एन ए पी बी वॉट, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम क्या दिया हुआ है 20, देखो डी डी सब कैंसिल आउट हो गया, कितना ईजी हो गया, 4a = 20, ए इजकल टू 5, तुरंत आ जाता है बेटा ए इजकल टू 5। अब यहीं पर नंबर लेते आप एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, तो बहुत ज़्यादा लंबा 2-3 पेज कैलकुलेशन चला जाता है, तुरंत आपका ए इजकल टू 5 आ गया, यस। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा देख लो यहाँ पे अगेन, ठीक है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट नंबर क्या है ए माइनस 3d, सेकंड नंबर क्या है ए प्लस 3d, डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड नंबर क्या है ए माइनस डी और थर्ड नंबर क्या है ए प्लस डी इजकल टू 2/3, यही दिया हुआ है। अब देखो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले में है तो ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये भी सेम फॉर्मूले में है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 2/3, इक्वेशन सेकंड। अब ए की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, तब ए की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, लाकर इसमें पुट कर लेंगे एक ही जगह पे, सॉल्व कर लो, डी का वैल्यू मिल जाएगा, और ए और डी का वैल्यू मिल गया बेटा तो आप नंबर निकाल सकते हो, बाकी कैलकुलेशन होमवर्क है, अंडरस्टूड, आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट, देख लीजिएगा बेटा एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन है, सब बना लीजिएगा आप लोग सब एनसीईआरटी, एनथ टर्म का, एनथ टर्म खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाएंगे तो बेटा सम ऑफ एनएपी बताएंगे, ठीक ना, ओके, थैंक यू वेरी मच।